हेलो एवरीवन, दिस इज केमिस्ट्री बाबा। वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप केमिस्ट्री को फील करते हैं। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सेशन में आज हम बात करने वाले हैं जेई मेंस 2021 फरवरी अटेम्प्ट की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है। यार जैसा आप जानते हो यार कि जेई मेंस फरवरी अटेम्प्ट हमारा खत्म हो चुका है, कल हमारी लास्ट शिफ्ट थी, ठीक है, फरवरी अटेम्प्ट की। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन प्लीज़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अपन चीज़ों को देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है। अगर अपन जेई मेंस 2020 की कट ऑफ की बात करें तो कैटेगरी वाइज अपन ने यहाँ पर कट ऑफ लिख के रखी हुई है। जनरल कैटेगरी जिसे आप CRL भी बोल सकते हो, उसकी जो कट ऑफ थी वो लगभग 90% के लगभग थी। OBC के लिए 73%, SC के लिए 50% और ST के लिए 40% थी भाई, ठीक है। कैटेगरी वाइज ये परसेंटाइल थी 2020 जेई मेंस की। अब यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखा जाए तो जेई 2021 में जो फरवरी अटेम्प्ट है वहां पर ये कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ने वाली है 2020 से। अब ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने फरवरी अटेम्प्ट दिया है वो कम है। वो कितने हैं? 6.6 लाख के अराउंड उन्होंने पेपर दिया है भाई। फरवरी अटेम्प्ट वाला जो पेपर है बहुत कम कैंडिडेट्स ने दिया है। मतलब ऐसे बच्चों ने पेपर नहीं दिया जो अनसिंसियर हैं भाई, थोड़े से जो एवरेज बिलो हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब वो पेपर देते तो आपके अच्छे मार्क्स आसानी से आ जाते, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा कम आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर 2021 में जो आपकी कट ऑफ है वो थोड़ी सी बढ़ेगी। ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आएंगे लेकिन थोड़ा सा इंक्रीमेंट तो देखा जाएगा। अगर आप जेई मेंस 2021 की कट ऑफ की बात कर दें कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाली है, तो जनरल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ 92% तक होनी चाहिए, और OBC के लिए 77%, SC के लिए 53% और ST के लिए 45% होनी चाहिए। अब यहां पर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है। यहां पर आप देख रहे हो जनरल कैटेगरी के लिए 90% है और यहां पर 2021 में ये लगभग 92% है। मतलब थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखा जाएगा 2021 के पेपर में, जेई मेंस में यहां पर, ठीक है। अब यहां पर अगर बात करें कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा भाई, कि इस परसेंटाइल को अगर पार करना है जनरल कैटेगरी में तो हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। अगर हमारा स्कोर 105 से लेकर 110 तक होता है तो इस स्कोर में हम ये कट ऑफ बड़े आराम से पार कर जाएंगे। तो ये कट ऑफ होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, OBC के लिए, SC के लिए और ST के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेफ स्कोर रहने वाला है। अगर आपका स्कोर इतना है तो आप आराम से कट ऑफ पार कर जाएंगे जेई मेंस 2021 के लिए, ठीक है। तो ये कट ऑफ होने वाली है। लेकिन आप जानते हो यार कि कट ऑफ पार करने से कुछ नहीं होता है, हमें बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा IIT में अगर हमें जाना है। तो आप जानते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है फरवरी अटेम्प्ट में भाई, जिसकी ऑर्गेनिक वीक है। ऑर्गेनिक की एक सीरीज चल रही है, 30-day सीरीज, जिसमें अपन ऑर्गेनिक जेई और नीट लेवल की कवर्ड कर रहे हैं वहां पर, जहां पर आप बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने वाले हो, ठीक है। तो सीरीज को जरूर देखें, सॉल्व द बेस्ट for J.